एग्जाम आएगा? NAC ट्रिपल बॉन्ड सी से करेक्ट। एक तो हम लोग करा सकते हैं बेटा NAC ट्रिपल बॉन्ड सी से, है ना। चलो ये रिएक्शन में सबसे लास्ट में लिखूंगा जब एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। क्योंकि एल्काइन सारा एसिडिक इन नेचर, तो उनका एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर की वजह से कुछ रिएक्शन वो दे सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और सबसे पहला रिएक्शन है हम लोगों का फ्रॉम मेटल कार्बाइड। हम लोग कहां से बना सकते हैं? मेटल कार्बाइड से बना सकते हैं, ठीक है ना। और मेटल कार्बाइड क्या होता है ये तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है बेटा। मेटल कार्बाइड कौन सा बेटा? कैल्शियम कार्बाइड हम लोगों के पास CaC2 और मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3। इनका हम लोग क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने से बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैग्नीशियम कार्बाइड का करने से बनता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। मेटल कार्बाइड के ये दोनों रिएक्शन तुम लोगों को सिर्फ याद रखना, ये दोनों रिएक्शन जैसा भी हम लोग लिखे हैं इनका कोई मैकेनिज्म या कुछ नहीं, जस्ट रिमेम्बर दिस टू रिएक्शंस, ठीक है ना। इनको सिर्फ याद रख के तुम लोग काम चलाओ, मेटल कार्बाइड से हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है बेटा। मेटल कार्बाइड के साथ साथ में हम लोग अब किससे बना सकते हैं, इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास में? दूसरा है बेटा हम लोगों के पास में फ्रॉम डाइहैलाइड्स। डाइहैलाइड से हम लोग बना सकते हैं। डाइहैलाइड कौन सा वाला बेटा? विशनल डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड, ठीक है ना। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हम लोगों के पास में विशनल डाइहैलाइड है तो विशनल डाइहैलाइड हम लोगों के पास ऐसा कुछ होगा RC, यहाँ पे एक X होगा, यहाँ पे H। विशनल में बेटा एक ही पे दोनों होते हैं ना कि अलग अलग पे होते हैं? अलग अलग पे। यहाँ पे C, यहाँ पे एक X होगा, यहाँ पे एक H। यहाँ पे क्या होगा हम लोगों के पास? R-. इसका रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग? जिंक से। जिंक से रिएक्शन करने पे क्या बनता है बेटा? R C ट्रिपल बॉन्ड CR-, ठीक है। प्लस क्या निकल जाएगा बेटा? ZnO। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरे हम लोगों के पास में फ्रॉम जेम डाइहैलाइड, बट अगर हम लोगों के पास में जेम डाइहैलाइड है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? जेम हो सकता है, और चलो मैं एक और लिखता हूं, जेम हो सकता है और विशनल हो सकता है, दोनों से रिएक्शन तुम लोग करा सकते हो, जेम से भी और विशनल से भी, ठीक है ना। फ्रॉम जेम डाइहैलाइड एंड विशनल डाइहैलाइड हम लोग क्या करा सकते हैं? सबसे पहला रिएक्शन दो तरीके से करा सकते हैं। एक रिएक्शन करा सकते हैं जो अल्कोहलिक KOH के साथ में, एक तरीका तो अल्कोहलिक KOH होता है, दूसरा तरीका क्या होता है बेटा? NaNH2 ऐड करके, NaNH2 और OH-, फर्स्ट स्टेप में NaNH2 ऐड करते हैं और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बेटा? OH- और वाटर ऐड करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों से क्या बनता है बेटा? इससे एल्काइन बनेगा, इससे भी क्या बनता है? इससे भी एल्काइन बनता है। दोनों से किसका फॉर्मेशन होगा? एल्काइन। ठीक है, दोनों से क्या बनता है? दोनों से एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। देखो यहां से जो एल्काइन बनेगा एक से, सर म्यूट हो गया। देखो यहां से जो बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? यहां से बनता है इंटरनल, और यहां से जो एल्काइन बनता है वो कैसा बनता है बेटा? टर्मिनल। यहां से कैसा एल्काइन का फॉर्मेशन होता है? टर्मिनल, और एक तरफ से होता है इंटरनल, दूसरी तरफ से क्या होता है? टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन, ठीक है। एक तरफ से होगा इंटरनल एल्काइन और दूसरी तरफ से क्या होता है? टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन होगा अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो, ऐसे समझो। मान लो हम लोगों के पास क्या होता? हम लोगों के पास होता R, ठीक है। इधर होता हम लोगों के पास C, यहाँ होता एक Cl, ऐसा बनाते हैं बेटा। हम लोगों के पास R CH2
सी, यहाँ पे सी एल सी एल सी एस थ्री। तुम लोग इसका रिएक्शन किससे कराए बेटा? अल्कोहलिक वजह से। तो अल्कोहलिक वजह से बनने पे क्या बनेगा बेटा? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री। अगर तुम लोग इसका रिएक्शन किससे कराए बेटा? एन एन एस टू से अलोंग विथ ओएच माइनस और वाटर। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? आर सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो लोगों के पास ऐसा कुछ है आर सी एच, यहाँ पे सी एल सी एच, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे हम लोगों के पास सी एस थ्री। इसका तुम लोगों ने रिएक्शन कराया कैसे? अल्कोहलिक की वजह से। प्रोडक्ट क्या बनेगा? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री। इसका रिएक्शन किससे कराओगे? अल्कोहलिक की वजह से। तो क्या बनता है बेटा? अल्काइन बनेगा, लेकिन कौन सा वाला? इंटरनल। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री। ठीक है, अगर तुम लोग इसका रिएक्शन किससे कराते बेटा? इसका रिएक्शन तुम लोग कराते एन एन एस टू अलोंग विद ओएच माइनस और वाटर। अलोंग विद ओएच माइनस और वाटर। ठीक है, तो यहां रिएक्शन करने का प्रोडक्ट क्या बनता? आर सी एस टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। देखो बेटा, एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं यानी एनएस टू ओ एच माइनस और वाटर के साथ में, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है? यहां पे प्रोडक्ट बनता है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री। लेकिन ये क्या कर जाता है बेटा? आइसोमराइज कर जाता है। इसका क्या होता है? आइसोमराइजेशन। और आइसोमराइज करके किसमें कन्वर्ट होगा? सर स्क्रीन में दिख रही है। क्या कह रहे थे बताओ गायत्री? कुछ नहीं सर। बट प्रोडक्ट दोनों में देखो, यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप लग जाता है। कौन सा वाला? आइसोमराइजेशन का। मतलब जो कंपाउंड बनेगा, बनता तो यही है, लेकिन ये आइसोमर में आइसोमराइज करके केस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि NaNH2 जो होता है वो बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तुम लोग अभी एक रिएक्शन हम लोग आगे चल के एक पढ़ाएंगे, उस रिएक्शन से थोड़ा सा तुम्हें क्लियर होगा कि हाँ NaNH2 का रिएक्शन जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, तो आसानी से रिएक्शन कर लेता है उसके साथ में, है ना। तो उसको किस में कन्वर्ट देगा? कन्वर्ट कर देगा उसको टर्मिनल में कन्वर्ट कर देगा। तुम लोग एजेंट याद रखो कि अगर अल्कोहलिक की वजह से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो इंटरनल बनेगा, और अगर हम लोग क्या कराएंगे बेटा, अगर हम लोग कराते हैं NaNH2 के साथ में तो टर्मिनल बनता है। एक सेकंड वेट करो आप लोग। बड़ा स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? अब शायद ठीक से चलेगा ये। ठीक है, तो आर सी एच सी एल ये हम लोगों के पास हो गया आर सी एच टू। ठीक है ना, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? आयुष स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? दिख रही है सर, आप कुछ चलाइए तब पता पड़ेगा सर। मतलब स्क्रीन तो दिख रही ना, मैं इस पे लिखूंगा वो अलग बात है, भी लिखा थोड़ी। ये तो दिख रहा है ना जो मैंने लिखा हुआ है आर सी एच सी एल सी एच वाला, तो दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है।
मुझे नहीं दिख रहा। एक स्क्रीन शेयर की हुई है, वो तो दिख रही होगी बेटा तुम्हें। है ना? देखो नेक्स्ट मेथड हम लोग बातें करेंगे इनके कुछ कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज भी कौन से वाले बेटा? हम लोग इनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अभी। मैं फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है बेटा, करो ज्वाइन। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बेसिकली क्या क्या डिस्कस करेंगे बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें, चलो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इनके एवास, इनका एसिडिक नेचर की। देखो एसिडिक नेचर में हम लोग बोल सकते हैं कि जो एल्काइन्स होंगे, हम लोगों के पास मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर ये H प्लस देते तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस क्या दे देगा? H प्लस। ठीक है ना? तो जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है वो कैसा होते हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है ना। ये जो है हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव कार्बन है, दिस इज हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव कार्बन। और तुम लोगों को पता है कि इस कार्बन का जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है दैट इज इवन मोर ग्रेटर देन, इससे ज्यादा होता है बेटा। इस कार्बन का जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है दैट इज इवन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, इट इज इवन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ठीक है ना? नाइट्रोजन से भी ज्यादा होता है। तो इसी वजह से जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस के पास में क्या होते हैं बेटा? दे हैव एसिडिक एच। उनके पास में क्या होता है? उनके पास में एसिडिक एच होता है। टर्मिनल एल्काइंस के पास में एसिडिक एच होता है, और वो जो एच होगा बेटा, जो इनके पास एसिडिक एच है टर्मिनल एल्काइंस के पास में, टर्मिनल एल्काइंस के पास में क्या होता है बेटा? एसिडिक एच होता है। और इनका जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो दे आर मोर एसिडिक देन NH3। बेटा किससे ज्यादा एसिडिक रहते हैं? NH3 से ज्यादा एसिडिक रहते हैं। गायत्री वेटिंग रूम में है शायद। क्या बोल रहे हो? गायत्री वेटिंग रूम में। एक सेकंड। ठीक है ना? दे आर मोर एसिडिक देन NH3। दिख रही है स्क्रीन? अभी शेयर कहाँ किया आपने? क्या हो रहा है इसको? दिख रही है सर, अब दिख रही है, फिर चलेगी सर। इंटरनेट वीक दिख रहा है ना काफी ज्यादा?
अभी दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। But terminal alkynes are more acidic than NH3. ठीक है ना? They are more acidic than NH3 and less acidic than and they are less acidic. ऊपर कुछ नहीं लिखा बेटा, सिर्फ ये बोला है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, टर्मिनल अल्काइन्स होते हैं, उनके पास एसिडिक एच होते हैं, टर्मिनल अल्काइन्स के पास में एसिडिक एच होते हैं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच एसिडिक एच है, और इनका जो एसिडिक नेचर होता है दे आर मोर एसिडिक देन NH3 एंड दे आर लेस एसिडिक देन सर. तुम लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? यस सर आ रही है. स्क्रीन दिख रही है? देख रही है सर. प्रॉपर जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है सर? यू आर शेयरिंग स्क्रीन, यही दिख रहा है बस. ये दिख रहा है टर्मिनल अल्काइन्स होते हैं, उनके पास एसिडिक एच है. यस सर दिख रहा है. और जो एच होते हैं वो कैसा होते हैं? मोर एसिडिक देन, मतलब ये जो होते हैं वो दे आर मोर एसिडिक देन NH3 एंड लेस एसिडिक देन, ये दिख रहा है? यस सर. दे आर लेस एसिडिक देन बेटा किससे? वाटर एंड अल्कोहल. ठीक है, ये वाटर अल्कोहल से दोनों से कैसा होता है? दे आर लेस एसिडिक एंड दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल. यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये वाटर अल्कोहल लिखे हैं वो दिखा तुम्हें? बड़े दिख रहा है कि नहीं? हाँ ना बोल के बताओ. यस सर दिख रहा. ठीक है बेटा, देखो इनके अगर हम लोग एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर को प्रूव करने के लिए किसके साथ में रिएक्शन कर सकते हैं? दे कैन रिएक्ट विद सोडियम, दे कैन रिएक्ट विद NaOH और KOH, दे कैन रिएक्ट विद NaNH2. इनके पास एसिडिक ऐसे तो दे कैन रिएक्ट विद RMGX, ग्रिग्नार्ड से भी रिएक्शन कर लेते हैं लाइक CH3MgH. ठीक है ना? तो जैसे मेरे पास में क्या होगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसका हम लोग अगर सोडियम से रिएक्शन कराएं तो बनता क्या है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए, ये एन ए प्लस होगा, ये माइनस, प्लस कौन सा वाला गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस. ठीक है, बट अगर हम लोग इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच का अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं किससे, NaOH या KOH से, तो भी रिएक्शन सेम ही होता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एन ए प्लस, प्लस का निकल जाएगा बेटा वाटर. अगर हम लोग आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी में टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन किससे कराएं बेटा, NaNH2 के साथ में, तो NaNH2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एन ए प्लस, प्लस कौन सा वाला गैस निकलता है यहाँ पे? NH3 गैस. ये मैं तीन रिएक्शन लिखा हूँ, तीनों दिख रहे हैं तुम्हें? यस दिख रहे हैं कि नहीं सर? दिख रही हैं. आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच का रिएक्शन बेटा हम लोग किससे करा सकते हैं? RMGX के साथ में. मान लो तुमने कराया CH3MgBr से, CH3MgBr से, थोड़ा CH3 प्लस MgBr माइनस, यहाँ से ये H प्लस ये माइनस, तो बनेगा क्या? CH3 बनेगा क्या बेटा? हम लोगों के पास है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, उल्टा तोड़ दिया ना इसको हम पहले वाले बॉन्ड को, ये प्लस आएगा एम जी पे, ये माइनस, ये आएगा बेटा प्लस एक्स, प्लस में कौन सा वाला गैस निकल जाता है? CH4 गैस. ठीक है ना? ये जितने भी रिएक्शंस हम लोग लिखे हैं, दीज ऑल रिएक्शंस प्रूव द क्या नेचर प्रूव करते हैं बेटा, जितने भी रिएक्शंस हैं दे प्रूव द एसिडिक नेचर ऑफ द टर्मिनल अल्काइन्स. ठीक है, और टर्मिनल अल्काइन्स के पास में ही सिर्फ एसिडिक एच होता है, इसके अलावा किसी और के पास में नहीं होता. यहां तक क्लियर है तुम्हें सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में बेटा?
नो सर। नो सर। देखो बेटा इसके अलावा ये दो रिएक्शंस और देते हैं, अगर हम लोग टर्मिनल एल्काइंस की बात करें तो टर्मिनल एल्काइंस इसके अलावा दो रिएक्शंस देते हैं, कौन सा दे रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन, किस साथ में रिएक्शन कर लेते हैं बेटा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में, दूसरा दे रिएक्ट विद टॉलिंस रिएजेंट। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है बेटा बताओ जल्दी से, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? पता नहीं सर, कॉपर का वो सॉल्यूशन होता है, कॉपर कौन से वाला आयन होता है, कॉपर सेकंड आयन। टॉलिंस रिएजेंट क्या होता है बेटा? AgNH3+NH3+2+ होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस ऐसे ही होता है बेटा। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करने के बाद में क्या मिलता है हम लोगों को, रेड पीपीटी मिलता है। टॉलिंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करने पे हम लोगों को क्या मिलता है बेटा, व्हाइट और ग्रे पीपीटी मिलता है, आया ना? तो कुछ तो हाँ ना बोलो। यस सर। टर्मिनल एल्काइन्स हम लोगों के पास में होगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ में कराए बेटा, इसका रिएक्शन हम लोग कराए किसके साथ में, इसका रिएक्शन कराए हम लोग टॉलिंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर सेकंड आयन के साथ में। तो कॉपर सेकंड आयन के साथ में रिएक्शन करने पे क्या बनते हैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी यू, ये प्रेसिपिटेट करता है बेटा, इसका हम लोगों को रेड पीपीटी मिलता है। अगर हम लोग टॉलिंस रिएजेंट से कराएंगे तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच हम लोगों के पास में होगा, ये किसका रिएक्शन करेगा बेटा, एजी एनएच3 का होल ट्वाइस प्लस के साथ में रिएक्शन करने हम लोगों को क्या मिलता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एजी, ये प्रेसिपिटेट करता है, इसका हम लोगों को कैसा प्रेसिपिटेट मिलता है बेटा, यहाँ पे वी गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, लोगों का व्हाइट पीपीटी मिलता है। ठीक है सर, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है यस सर। एक हम लोगों को मिला व्हाइट पीपीटी, तो टर्मिनल एल्काइंस का रिएक्शन, दीज टू रिएक्शंस आर नोन एज टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस बोलते हैं। अब तो कोई लैगिंग नहीं आ रही ना, सबको सही चल रहा है? यस सर। यस सर। हम लोग टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस, ठीक है ना? देखो इसके अलावा हम लोग रिएक्शन किस साथ में करा सकते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन लिखोगे रिएक्शन विद HX के साथ में रिएक्शन होगा तो कौन सा रूल फॉलो करेगा बेटा, दूसरा एक्स आ जाएगा सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई समस्या बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। इसके और रिएक्शन कराने की जरूरत है क्या, ये तुम लोग समझ सकते हो? समझ सकते हैं सर। मान लो हम लोगों के पास में, हम लोगों ने HX ऐड किया होता, हम लोगों के पास में क्या आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, हम लोग रिएक्शन किससे कराए, HX क्या हो सकता है बेटा, ओनली HBr, अगर हम लोग रिएक्शन किसकी बेंच में करवाए, H2O2 या R2O2 की बेंच में, तो कौन सा रूल फॉलो करेगा रिएक्शन बेटा, एंटी मार्गोनी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर सी एच टू सी एच इधर Br इधर Br, ठीक है सर।
कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें इसको समझने में? अरे दिक्कत तो नहीं है? नो सर। देखिए सर, इसके आगे हम लोग कराएंगे इसका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। यस सर। हम लोग वाटर ऐड करें तो बेटा क्या बनेगा? अगर हम लोग हाइड्रेशन कराएं तो क्या होगा? देखो मान लो हम लोगों के पास में ऐसा कुछ R C ट्रिपल बॉन्ड CH, वाटर ऐड कराते हैं किसकी प्रेजेंस में बेटा? H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये रिएक्शन तुम लोगों को ऐसे भी लिख देगा कि R C ट्रिपल बॉन्ड CH, हम लोग रिएक्शन किससे कराएं बेटा? H+ और Hg, तो भी तुम लोग समझोगे क्या हुआ? तो भी तुम लोग समझोगे रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रेशन ही हो रहा है। कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकोव। कौन सा रूल फॉलो करेगा बेटा? मार्कोनिकोव रूल, MKB। मैं आ रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? यस सर। वाटर क्या क्या देगा तुम लोगों को? H+ और OH नेगेटिव। H+ और OH माइनस। H+ और OH माइनस तुम लोगों को वाटर से मिला। OH माइनस कहाँ पे जाके ऐड होगा? इधर बीच में। ऐसा बनेगा बेटा? यस। ये कौन सा वाला फॉर्म बेटा? इनॉल फॉर्म। यस सर। अगर इनॉल फॉर्म बनाए तो क्या करेगा? टोटोमराइज करेगा, और टोटोमराइज करके क्या बना देगा? आर सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा इन जनरल किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन इन जनरल किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? कीटोन का फॉर्मेशन। समझ आ रहा है क्या बोला? यस सर। जैसे हम लोगों के पास क्या होगा बेटा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें तुम लोगों ने H+ और बेटा क्या डाला होता? Hg, तो क्या बनता? CHOH डबल बॉन्ड CH2। यस सर। ये क्या करता बेटा? टोटोमराइज करता। यस सर। टोटोमराइज करके क्या बनता बेटा? ये CHOCH3। एक एलियड। अकेला एल्काइन जो क्या दे सकता है? एलियड दे सकता है, ठीक है? जैसे मान लो तुम लोगों ने यहाँ रिएक्शन कराया होता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, H+ और Hg, क्या बनेगा बेटा? CH3 यहाँ पे आएगा OH, डबल बॉन्ड CH2, जो क्या करता है बेटा? टोटोमराइज। टोटोमराइज करके क्या बनाता है? CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। ऐसा कुछ लिए होते तो क्या बनेगा? कीटोन ही बनेगा सर। इसमें क्या बनेगा? इसमें भी कीटोन ही बनेगा। यस सर। या कुछ और बनाते हैं? कोई कंफर्म नहीं है। कीटोन ही बनेगा सर। डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या करेगा बेटा? टोटोमराइज। टोटोमराइज करके क्या बना देगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। समझ गए? यस सर। देखो हाइड्रेशन समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट लिखो हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा हम लोग? सर BS3 H2O2 के प्रेजेंस में। BS3 या B2H6 एक ही बात है?
H2O2 कौन सा रूल फॉलो करता है बेटा? एंटी मार्कोवनी, एंटी मार्कोवनी कॉव रूल, ये याद है तुम्हें? यस सर। जैसे मान लो हम लोगों ने रिएक्शन कराया होता, हमारे पास होता CH3, चलो ऐसा लिख लेते हैं, इन जनरल लिखते हैं हम लोग RC CH3 होता, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन। तुम लोग रिएक्शन किससे कराते? B2H6 along with H2O2, तो क्या बनता? RCH डबल बॉन्ड CHOH, ये बनेगा ना। जो OH जाके ऐड होगा वो क्या जाके ऐड होगा बेटा? एंटी मार्कोवनी कॉव रूल के अकॉर्डिंग। अब ये क्या करेगा, ये तो टोटोमराइज करेगा क्योंकि इनॉल फॉर्म है। यस सर। इनॉल फॉर्म टोटोमराइज करके क्या बनाती है बेटा? RCH2CH। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनॉल फॉर्म टोटोमराइज करके क्या बनाएगी? RCH2CHO। कोई दिक्कत सर? गायत्री वेटिंग रूम में शायद। वेटिंग रूम में क्यों गई है? नेटवर्क उसका शायद अनबैलेंस्ड है। लिख दिए तुम ये? यस सर। लिख भी रहा हूँ क्या? यस सर बोले जा रहा हूँ। लिख रहा हूँ सर, साथ ही साथ। साथ के साथ सब कुछ लिख दे रहे हो? यस सर। आगे गायत्री। मतलब गायत्री आ गई या नहीं आई? प्रेजेंट। आ गई सर। प्रेजेंट सर, चलो बेटा। कितना बता दिया है सर अभी तक? कितना बता दिया बेटा? चैप्टर ही पढ़ा दिया हम पूरा। अब बचा ही क्या पढ़ाने? नेटवर्क चले गए थे। नेटवर्क चले गए थे? चलो बेटा, अब मुझे भी तुम लोग दिखते रहोगे ना? नहीं दिखते नहीं है। यस सर। चलो एक सेकंड थोड़ा और इसको सही कर लेते हैं। अब बताओ क्या तक समझ में आया सब कुछ? कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। चलो इसके आगे देखो थोड़ा सा। जैसे मेरे पास में ऐसा कुछ होता, मान लो CH 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 CH
अभी सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच का तुम लोगों ने कैसे रिएक्शन करवाया, मान लो तो तुम लोगों ने एच प्लस और एच थ्री से कराया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनेगा सी एच थ्री सी एच। अगर तुम लोगों ने इसका रिएक्शन कैसे कराया बी टू एच सिक्स और एच टू ओ टू से कराया, तुम लोगों ने कैसे कराया बेटा बी टू एच सिक्स और एच टू ओ टू, तो भी क्या बनेगा, अगर तुम बी टू एच सिक्स और एच टू ओ टू से करवाओगे तो भी तो ये बनेगा ना बेटा सी एच थ्री सी एच ही बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही कार्बन का है ना, डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ तुम्हारे पास में था सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तुम लोगों ने इसका रिएक्शन कैसे कराया बेटा एच प्लस और एच थ्री से, तो क्या बनेगा कीटोन, तो बनेगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, समझ आ रहे हैं? Yes, sir. अगर तुम लोग इसका रिएक्शन किससे कराए होते, अगर तुम लोग इसका रिएक्शन कराए होते किसके साथ में बेटा बी टू एच सिक्स और एच टू ओ टू के साथ में,
तो प्रोडक्ट क्या बनता है? बेटा वॉइस आ रही है, समझ आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रही है सर। यस सर। स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? यस सर। ठीक है, तो देखो हम लोगों के पास क्या क्या बना वो सब कुछ क्लियर है तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना इसको समझने में। मान लो हम लोगों के पास ऐसा कुछ होता है, मान लो हम लोगों के पास में क्या बेटा, हम लोगों के पास में CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड CH3, इसका तुम रिएक्शन चाहे किससे कराओ बेटा, तुम लोग कराओ एच प्लस एच जी के साथ में, तुम लोग रिएक्शन किस साथ में कराओ, बी टू एच सिक्स और एच टू ओ टू के साथ में। दोनों ही केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एस टू सी एस थ्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत किसी को है क्या? No, sir. किसी को नहीं है ना, सबको क्लियर है? ठीक है, सबसे क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को इसको समझने में? No, sir. ठीक है, देखो इसके आगे ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोबोरेशन हम लोग, हाँ इसके आगे लिखो बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ ना अभी, इसके आगे लिखो ऑक्सीडेशन। देखो इनका ऑक्सीडेशन हम लोग किसके किसके साथ में करा सकते हैं, ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम लोगों के पास में क्या क्या हो सकते हैं, हम लोगों के पास में होगा हॉट, तीन चीजें, अल्कलाइन या फिर एसिडिफाइड KMnO4, KMnO4 या फिर हम लोगों के पास में क्या होगा बेटा, हॉट एसिडिफाइड K2CO2। देखो अगर ये अल्कलाइन है तो तुम लोग क्या करोगे, इसको लिखोगे इट इज फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, है ना, अगर अल्कलाइन है तो बाद में क्या कराओगे इसका, एसिडिफिकेशन कराओगे बाद में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में इसको? नो सर। नो सर। बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो बेटा। यस सर। अगर हम लोगों के पास में क्या है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे बेटा, ये वाला बॉन्ड तोड़ने पे किसमें कन्वर्ट होता है, आर सी ओ एच, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे और किसमें कन्वर्ट कर दोगे इसको, आर सी ओ एच में। ठीक है, अगर हम लोगों के पास में क्या है, हम लोगों के पास में है आर, हम लोगों के पास में ऐसा कुछ हो आर सी डबल बॉन्ड तोड़े, दूसरा हम लोग एच सी ट्रिपल बॉन्ड होता हम लोगों के पास, बट एच सी ट्रिपल बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू एच सी ओ एच, जो एच सी ओ एच होता है दैट on further oxidation gives CO2। तो समझ आ रहा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास में कहीं भी ऐसा बन जाए COH सिंगल बॉन्ड COH, अगर इसका तुम लोग ऑक्सीडेशन कराओ फर्दर, इट ऑल्सो गिव्स CO2। ये तीन चीजें तुम लोग याद रखनी है, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, रूल नंबर थ्री। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? बोल। जैसे मान लो तुम लोगों के पास ऐसा कुछ होता है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसका ऑक्सीडेशन कराते तो क्या बनता है बेटा, दो मोल एच सी ओ एच विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन वुड गिव एच सी ओ टू। ठीक है, अगर तुम लोगों के पास होता सी एस थ्री
सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसका तुम लोग ऑक्सीडेशन कराते तो क्या बनता है बेटा, सी एच थ्री सी ओ एच HCOH, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड इट विल गिव CO2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। मान लो हम लोगों के पास ऐसा कुछ होता, हमारे पास होता सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एस थ्री, इसका तुम लोग ऑक्सीडेशन कराते क्या बनता है बेटा, सी एस थ्री, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे सिंपल सी एस थ्री सी ओ एच, दो मोल फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। Yes. अगर ऐसा कुछ हम लिखे होते बेटा सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, क्या बनता? तो ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे सबसे पहले, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, है ना? इनका ऑक्सीडेशन करा, यहां से क्या बनाएगा हम लोगों को, सी एस थ्री सी ओ एच प्लस एच सी ओ एच सी ओ एच सी ओ एच प्लस एच सी ओ एच। तुम कहां जाके बैठ गए आयुष? बाहर जाके बैठ गया था छत पे। समझ रहा है क्या लिखे? यस सर। सुनो, ये सी एस थ्री सी ओ एच का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, नहीं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, दो मोल सी ओ टू का। यस सर। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, यहां से भी सी ओ टू। समझ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? नहीं सर, कुछ भी दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है सभी को? यस सर। ठीक है बेटा, देखो इसके आगे छोटा सा क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फाइंड the alkyne which on oxidation produces ethanoic acid and propanoic acid। बताओ जल्दी से, दूसरा क्वेश्चन भी लिख लो साथ साथ। N2I सर, मतलब पांच कार्बन और सेकेंड नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल, पांच कार्बन और सेकंड नंबर पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। सही बात है ना? यस सर। कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे इथेनोइक एसिड समझ में आ गया ना सभी को, इथेनोइक एसिड कैसा होगा, सी एस थ्री सी ओ ओ एच। प्रोपेनोइक एसिड इज सी एस थ्री सी एस टू सी ओ एच, ये किससे आया होगा बेटा, सी एस थ्री सी एस टू सी ट्रिपल बॉन्ड से। ये किससे आया होगा बेटा, सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड से। जोड़ दोगे क्या बनेगा, सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एस टू सी एस थ्री, ये बनेगा ना सर। ये सेकंड में क्या लिखा है, एसिटिक एसिड एंड मेलोनिक एसिड। अब ये बताओ मेलोनिक एसिड क्या होते हैं, चार नंबर का क्वेश्चन है, मेलोनिक एसिड पता करना, ये बताना होता क्या है, होता हो तुम्हें पता होगा तो चार नंबर मिल जाएंगे ना, नहीं पता होगा तो फिर अपने देखो कि क्वेश्चन तो ये था, मेलोनिक एसिड पता होता तो हम कर देते। बताओ क्या होता है मेलोनिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, सी एस थ्री सी डबल
मैलोनिक एसिड क्या होता है बेटा? CH2COOH, यहाँ पे क्या लगा होगा? COH, दिस इज मैलोनिक एसिड। चलो बताओ प्रोडक्ट। सर पांच नंबर के कार्बन और सर सेकंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड। लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड किससे लगा हुआ है? एच से। एच से तो CO2 नहीं निकलेगा। ट्रिपल बॉन्ड वो भी एच से लगा दिया तुमने, हाइड्रोजन तीन में बना लिया है। सी ट्रिपल बॉन्ड एच, नया कुछ आज डिस्कवर हो गया। सुनो बेटा क्या होगा, देखो इसको कैसे कैसा रहा होगा, ये रहा होगा CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा होगा CH2 सी ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा होगा बेटा सी ट्रिपल बॉन्ड। इनको जोड़ोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? इनको जोड़ोगे प्रोडक्ट बनेगा CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी, CH2 सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH3। और ये वाला मॉलिक्यूल इधर से भी जुड़ा होगा ना इससे, तुमसे पूछे इसको तोड़ो क्या बनेगा, तुम लोग बताओगे यहां से बनोगा बनाएगा CH3COH, यहां से बनेगा CH3COH, यहां से बनेगा CH2COH, COH क्या बना बेटा? ये मैलोनिक एसिड बना। yes, तुम पूछे क्या क्या प्रोडक्ट बने, तुम लोग एसिटिक एसिड एंड मैलोनिक एसिड, ये तो बनेगा। चलो एक और क्वेश्चन, हम लोगों के पास में एक एल्काइन है C10H10, क्या बेटा? C10H10 है जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराया, तो उसने क्या प्रोड्यूस किया? उसने प्रोड्यूस किया बेटा CH2COOH का होल थ्राइस। ये बताना है C10H10 कौन है। बताइए बताइए सर कौन है? बेटा एक सेकेंड ना, बताओ जल्दी से। नहीं मिला अभी तक, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया। ये कुछ तीन मेंबर का वो बन रहा है सर स्ट्रक्चर, देखो ऐसा कुछ रहा होगा बेटा ये। ऐसे होगा ना, सुनो बेटा सुनो, अगर COH को हटाओ तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? इधर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? है ना? यस सर। कितना कार्बन है ये? एक दो तीन
चार पांच छह सात, मतलब तीन सी एस सी एच जुड़ जाएगा, तीन सीओ टू निकल गया होगा, सी एच जुड़ जाएगा, ये रहेगा फाइनल, है ना। दिस इज दैट सी टेन एस टेन, कोई दिक्कत हुई किसी को, लिखो तो इसको जल्दी। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो ओजोनोलिसिस, ओजोनोलाइसिस। एल्किन का कल पढ़ाए थे, आज एल्काइन का पढ़ा देते हैं, बताओ क्या बनता है ओजोनोलाइसिस करने पे। एल्डिहाइड और कीटोन, बट देखो यहाँ पे अगर ओजोनोलाइसिस कराओगे तो जनरल रिएक्शन में लिख देता हूँ आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर। अगर तुम लोग इसका ओजोनोलाइसिस कराओ किसकी बेस में, जिंक की बेस में, बड़ा कितना बॉन्ड टूटते हैं अली पल्ली बार में, अरे दो ही तोड़ेंगे ना, वो एक वो इधर एक वो इधर, क्या बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये बनता है। अगर ये आर प्राइम है तो आर प्राइम लिख लो, कोई भी हो ओजोनोलाइसिस करने पे यही बनेगा। अगर तुम लोग इसका फर्दर रिएक्शन करा दो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, अगर फर्दर रिएक्शन किस साथ में करा दो बेटा, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, है ना, तुम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा सकते हो, यू कैन ऐड वाटर ऑल्सो, यू कैन ऐड KMnO4 ऑल्सो, बट अगर फर्दर रिएक्शन करवाओगे तो फिर से जो बचा हुआ बॉन्ड है वो तोड़ोगे और एक वैच इधर लिखोगे तो क्या बनेगा बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच प्लस आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच बनता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन बनता था किसके केस में, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड एल्किन्स, एल्काइन्स के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या मिल जाए तुम लोगों को, एच सी ओ एच मिल जाए, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या देता है वो सी ओ टू। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू किसके, हमें तो नहीं पता बेटा किसके सिमिलर है, तुम बताओ, तुमने ऐसी रिएक्शन और कहाँ देखी है, ओजोनोलाइसिस क्या कराएंगे, कराएंगे बेटा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओ, ओजोनोलाइसिस कराओगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH ये बनेगा ना, तुम लोगों को नहीं आता बेटा कुछ समझ, किसके सिमिलर है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करके प्रोडक्ट दे सकते हो, तुम्हें प्रोडक्ट की तो याद रखना है क्या बनेगा, इन बोथ रिएक्शंस वी गेट सिमिलर प्रोडक्ट, हम लोगों को दोनों ही रिएक्शन में नियरली नियरली सेम प्रोडक्ट ही मिलता है। हम लोगों से पूछे कि हम लोगों के पास ये तो ऐसा था, हम लोगों से पूछे कि हम लोगों के पास ये है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसका ओजोनोलाइसिस कराओ,
तो क्या बनेगा बेटा HCOH ऑक्सीडेशन करा दिया तो क्या बनेगा CO2 हम लोगों के पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा HCOH CH3COH HCOH इसका ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनता है तो कहानी तो सेम ही हो गई ना आया ना यस सर लिख दिया ये सर यस सर इसके पास में एक रिएक्शन याद रखना पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है हम लोगों के पास सीएस ट्रिपल बॉन्ड सीएच इसको हम लोग क्या करते हैं कॉपर की रेंज में हीट कर देते हैं क्या बन जाता है क्या बन जाता है बेटा बेंजीन ठीक है बेटा ठीक है सर देखो ये और ये एक ही बात है ना क्या हुआ टोटोमर हुआ ठीक है ना यही पूछा था सर कंपाउंड है वो एरोमेटिक है लगता है ज्यादा स्टेबल होगा स्टेबिलिटी में कोई कमी है ज्यादा स्टेबल है लेकिन ये कीटो फॉर्म है हम लोगों के पास में और ये इनॉल फॉर्म इनॉल फॉर्म जो होता है अगर एरोमेटिक नेचर है तो स्टेबिलिटी उसका बढ़ जाता है इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी कब बढ़ता है एरोमेटिक नेचर आ जाए एच बॉन्डिंग आ जाए इस वजह से बढ़ता है लेकिन कीटो फॉर्म जो होता है ये जो कंटेंट है वो नियरली कितना होता है 100% और ये जो कंटेंट है वो होता है नियरली 0% एरोमेटिक होने के बाद में भी तो यहाँ कॉन्सेप्ट यहाँ जो रीजन दोगे वो किसका होता है बेटा यहाँ रीजन दोगे किसका बॉन्ड एनर्जी का पूरा कहानी पढ़ाया उसने ठीक है सर हाँ हम सोच रहे तुम्हारी एक दिन क्लास आई समर एग्जाम पे थोड़ी सी क्लास ले ले जिससे तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाए थोड़ी चीजें और है ना देखिए आई समर एग्जाम की थोड़ी सी क्लास लेने की हो गया ये सब कॉपी कर लिए अब एक और क्वेश्चन तुमने भेजा था गायत्री ग्रुप में भेजा था वो क्लास में डिस्कस करेंगे वो क्या है हमने दोनों डिवाइस तो मैं दिखाने के लिए यूज कर रखे एक मैं फोन एक इधर हम कैसे क्वेश्चन खोले तुम्हारे सर ऐसे दिखेगा क्या दिखाओ दिखाओ हाँ दिखाओ एक मिनट दोबारा दिखा रहे थे जैसे दिख रहा है क्या हाँ हाँ समझ गया मैं देखो इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट है हाँ। दिखा देते हैं सुनो शीट दिख रही तुम्हें यस सर कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन्स वाले में देखो ये क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है इसमें ये रहा यस सर ये भी प्रीवियस ईयर ही है दिखा कि नहीं दिखा क्वेश्चन नंबर 70 दिख रहा है तुम्हें 370 वाला दिख रहा है देखो सर
ये वाला बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, पहले वाले में पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, तीसरे वाले में कोई टूटेंगे ये सर, वाले में कोई पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं, तीसरा और चौथा दोनों ही नहीं करता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो चौथे वाले से बी आर को निकालो, जैसे बी आर निकालोगे यहाँ चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आ गया, यस सर। पॉजिटिव आने पे ये कैसा हो गया, एरोमेटिक विद सिक्स पाई। सर मेरे को ये तो समझ में आ गया था, ये पूछना था, आपने बोला था सुन लो, इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट, it has tendency to release br minus, aur br minus kya karega beta, ag no to resurrection karega, ag br kya banega, ag br ye precipitate karega, ab batao kya keh rahe the sir, wo aromatic kyun hua, non aromatic hona chahiye क्योंकि सिक्स मेंबर से ज्यादा वाली रिंग है तो नॉन प्लेनर नहीं होगा, सिक्स मेंबर से ज्यादा होने पे इफ एंटी एरोमेटिक डोन, इफ एंटी एरोमेटिक देन इट बिकम्स नॉन एरोमेटिक, ये बताया था सर, बोल रहा था ना, यस सर आ गया समझ, बस ऊपर बोले थे कि एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल, समझ गए, यस सर समझ गए, ठीक है। ये सीट में से कुछ डिस्कशन करना था, तुम लोगों ने क्वेश्चन किए इसके, यस सर किए थे, अब क्वेश्चन हो गया सर, सब 41 ईयर के किए थे कल, 41 ईयर के किए थे, यस सर मैंने आपने भी प्रीवियस ईयर तुम्हारे जो डाउट ना, तो मुझे उनका फोटो खींच खींच के भेजो, फिर मेरे पास में 41 ईयर नहीं है ना सर, भेजे तो हाँ आपको, या फिर एक दिन के लिए तुम लोग आके अकील सर को दे जाओ, हम स्क्रीन करा लेंगे, फिर तुम्हें जैसे पीडीएफ शो करा रहे हैं ऐसे करके दिखाना स्टार्ट कर देंगे सर, नहीं मेरे पे फिर दूसरी बुक है, तुम्हारे पास क्या है, 41 इयर्स वाली नहीं है मेरे पास, हाँ तो 41 इयर्स तुम्हारे पास आयुष है तो एक दिन के लिए दे जाओ, उसको स्कैन करा देंगे, सबको दे देंगे सर, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा उसकी पीडीएफ, तुम्हारा पीडीएफ है, है सर, हाँ तो पीडीएफ डाल दो टेलीग्राम पे, बट सर जो मैंने कल क्वेश्चन भेजा वो तो मॉक टेस्ट के है ना सर, तुम्हारे पास तुम्हारा एक क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा था, बाकी तो क्वेश्चन इजी है, हम ओपन कैसे करें, दिक्कत है, सेकंड वाला कोशिश करते हैं ओपन करने, सर इसमें टेलीग्राम चल रहा है सर, इस टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भेज दो, देखो ये दिख रहा है तुम्हें, यस सर, यस सर, इसमें बताओ LiLH4 किसको रिड्यूस कर सकता है, LiLH4 सभी को कर सकता है, सभी को कर सकता है, NaBH4
सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री एच एक्स मतलब सी एस थ्री सी एक्स को। देखो बात ये है कि एक्चुअल में सिर्फ इन्होंने किसको रिड्यूस किया ये बताओ। सी डबल बॉन्ड को कीटोन इन्होंने रिड्यूस किया। देखो इस कीटोन को रिड्यूस कहाँ किया, इन्होंने इसको रिड्यूस किया ना। बाकी ग्रुप इंडस्ट्री ऐसे ही है, देखो ये भी ऐसे ही है। यस सर, यस सर, यस सर। भाई अलग को किसको रिड्यूस कर सकते सबको, ये एलियर कीटोन को भी कर देता है। एस टू और पीडी किसको रिड्यूस करने के काम आता है, एल्कीन एल्काइन को। यहाँ पे सिर्फ कौन यूज कर सकते हैं, बी टू एस सिक्स कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो तुमने जो आंसर लिखा है वो तो बिल्कुल भी गलत हो गया। एन ए बी एच फोर किसको रिड्यूस करा था, करता है कार्बोक्सिल एसिड को तो करता नहीं है। तो यहाँ ये देखना है तुम्हें कि इनको कौन रिड्यूस नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको कौन नहीं करेगा, इन तीन को रिड्यूस ना करे, सिर्फ इसी को रिड्यूस करे। ठीक है, चलो सुनो। इसके अलावा तुमने एक क्वेश्चन ये भेजा था, द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर थ्री डिफरेंट लिक्विड्स एक्स वाई जेड इज शोन बिलो। ठीक है ना, ये हमको गिवन था, द फॉलोइंग इंटरफेरेंस जो भी है इन्होंने एक डायग्राम बनाया वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का। अब देखो यहाँ पे ये सोचो कि सिंपल तरीके से सोचो बेटा, ये बताओ जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में पहले वाले में यहाँ पे देखो x का दूसरा इसका देखो और इसको देखो z को। ठीक है ना, अगर तुम लोग सबका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना चाहो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ये बताओ। z का, उसके बाद वाई फिर एक्स, फिर क्या दिक्कत है। तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर रहा होगा, जेड के। सबसे कम किसके बीच में रहा होगा बेटा, एक्स। तो कौन सा वाला करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन है एक्स इज हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गलत है, एक्स इज लोअर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ठीक है, जेड इज लोअर ये भी गलत है, तो फिर बी वाला करेक्ट हुआ थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था देखो इसमें पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रेडिकल बन, यहाँ पे क्या किया इन्होंने पॉजिटिव चार्ज लगाया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था बस, ये क्वेश्चन जो इन्होंने कराया ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है बस।
इसको मैं तुम्हें थोड़ा देख के बताऊंगा, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया इन्होंने ये वाला प्रोडक्ट बना कैसे दिया। सर अभी इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं आपको, फिर बता देना। इसके अलावा बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सर, एक सरफेस केमिस्ट्री का यही वाला ये तो पढ़े हो गए सर। इसमें चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ आयंस वो होता है पोलराइजिंग, क्या बोलते हैं फ्लक्चुएशन पावर होता है, और फ्लक्चुएशन वैल्यू और पावर का इनवर्स रिलेशन होता है एक दूसरे का। जिसका थे तो तुम आसानी से आया ना सर। इसमें कुछ जो है वो दोनों तो सेम वो कर रहे हैं शो, प्लस थ्री वाले ये और ये, ठीक है ना, दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा डिपेंड करता है चार्ज पे। तो यहाँ चार्ज तो इसके पास ज्यादा है, लेकिन AlCl3 जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, चार्ज ज्यादा है लेकिन डिसोसिएट करके Al3 प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा ना, या करेगा? आयन ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, नहीं करेगा, कैसे कोगुलेशन कराएगा? तो कोगुलेशन पावर एंड कोगुलेशन वैल्यू का इनवर्स रिलेशन होता है। कोगुलेशन पावर इसका फिर इसका इन तीनों का बराबर, और कोगुलेशन वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका कोगुलेशन पावर कम होगा। कोगुलेशन कितना अमाउंट हमें चाहिए, और कोगुलेशन पावर क्या होता है, कौन जल्दी से कर सकता है, जल्दी से कर देगा उसका अमाउंट तो कम ही चाहिएगा ना। यस सर, वैल्यू और पावर का इनवर्स रिलेशन रहता है आपस में। देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैं बताएंगे फिजिक्स वाले से, ठीक है ना, बात का रिलेशन फिजिक्स वाले सर से पूछते हैं। बाकी एक क्वेश्चन और ये वाला बचा हुआ है, देखो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रो पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ शेल रिएक्शन एट pH = 5। तो इसमें क्या दिक्कत है, pH = 5 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन आ जाएगा ना। देखो pH तुम लोगों को गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आ जाएगा विद हेल्प ऑफ pH की वजह से। E = क्या होगा बेटा, E = क्या होता है, E = होगा E0 प्लस प्लस के माइनस माइनस 0.0591 log 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 4। इस इक्वेशन से लगाओगे तो लेकिन अगर देखो यहाँ पे n का वैल्यू 4 पुट करोगे ना, ठीक है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल यूज करोगे तो ये वाला इक्वेशन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। रिडक्शन पोटेंशियल निकालना, ये वाला इक्वेशन यूज करो, सिंपल आंसर आ जाएगा एकदम से, को परफेक्ट, ठीक है, ओके सर। क्योंकि तुम लोगों को यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, असल आंसर दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तो जो ई रिडक्शन आएगा उसको क्या कर लोगे तुम लोग, माइनस लगा के उस किसमें कन्वर्ट कर दोगे, ई ऑक्सीडेशन माइनस, है ना, ई रिडक्शन को माइनस लगा के किसमें ई ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दोगे, समझ गए? यस सर, ठीक है बेटा, इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट, ओके सर, थैंक यू सर।